just the grass. हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू कर दें। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बना रहा था 15,088 और ब्रेकडाउन लेवल बना रहा था 14,920। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ, जैसे ही इसने ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक किया तो फर्स्ट टारगेट 15,109 ये अचीव हुआ। एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया, टूवर्ड साउथ की तरफ आया और जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था फिर से एक बार ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पर इसने हर्डल फेस किया और एक टूवर्ड साउथ की तरफ इसने मूव दिखाकर ब्रेकडाउन लेवल के आसपास सपोर्ट टेस्ट करके इसने बाउंस बैक किया और फिर से लास्ट हाफ एन आवर जब भी बचा था तभी भी फर्स्ट टारगेट के आसपास ये क्लोज हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 12 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 9,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। काफ़ी वोलेटाइल मार्केट इस समय देखने को मिल रहा है। अभी कल वीकली एक्सपायरी है एक दिन पहले, क्योंकि थर्सडे को छुट्टी आ रही है, तो कल क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए 60 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। निफ्टी इंडेक्स अगर ये जो लेवल है अभी यहाँ पर कल के हाई के ऊपर जस्ट ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। कुछ दिनों पहले यहाँ पर निफ्टी ने, आप आर्ली चार्ट में यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी देर इसने पूरा दिन यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था, इसके ऊपर ये क्लोज नहीं हो पा रहा था इस दिन। तो हो सकता है ये इस लेवल के पास फिर से एक बार ये रेजिस्टेंस फेस करे। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है निफ्टी इंडेक्स 15,144 के ऊपर तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 15,169। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 15,192, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो आज शुरू में हम देख सकते हैं 4 घंटे इस लेवल के आसपास जो आज हमारा ब्रेकआउट लेवल था उसके पास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, यानी ऑलमोस्ट 15,072 के आसपास। तो अगर 15,072 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 15,050। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 20 EMA, यानी 15,024 ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स हैं। अभी बैंक निफ्टी के क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं वो देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर भी देखें तो आज भी एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया है, काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, और जैसे यहाँ से बाउंस बैक हुआ है तो फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट दोनों भी यहाँ पर अचीव हुए। तो कल के लिए क्या बैंक निफ्टी के लेवल्स हो सकते हैं इसके लिए 60 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। क्लियर व्यू पता चलता है 60 मिनट के चार्ट में। अभी बैंक निफ्टी इंडेक्स आज का जो हाइएस्ट आर्ली चार्ट में क्लोजिंग लेवल बन रहा है वो है 36,016। इस लेवल के ऊपर अगर कल सस्टेन करता है बैंक निफ्टी तो ही इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 36,101, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 36,186, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो आज का जो लोएस्ट क्लोजिंग लेवल है यानी अराउंड 35,709 इसको अगर ब्रेक करता है टूवर्ड साउथ की तरफ तो ये इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ये फर्स्ट सपोर्ट हो सकता है यहाँ पर 20 और 50 का एक कंबाइन यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है 35,630 के पास, तो वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 100 EMA का ग्रे लाइन जो कि अराउंड अभी 35,539 के पास है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।